चौथा दिन है महापढ़ाव का, ठीक है? सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले रही है आकर बेरोजगारों की, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम की कल ही घोषणा कर दी थी कि 4 विधानसभा उपचुनावों में प्रत्याशी उतार दिए हैं, ताल ठोक दी है, और इस बार हम जीतेंगे भी, और एक सीट का दर्द क्या होता वो भी सबक सिखाएंगे देता हूँ। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर सकनलाल सैनी जी आए थे, वो मांग पत्र लेके गए हैं, और अभी उन्होंने कहा कि डीओपी के अधिकारियों से 5 बजे हमारी मीटिंग है। वो कह रहे हैं कि बार अधिकारियों को ब्रीफ करिए, वो मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल 5 बजे वार्ता के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि हम उनको मांग बताएंगे, क्योंकि अभी 4 दिन तक तो उन्होंने समझा ही नहीं हमारी मांग क्या, बुलाया तक नहीं, वार्ता तक नहीं, तो हम ऐसा नहीं कि वार्ता करने नहीं जाएंगे, कम से कम उनको समझाएंगे कि क्या क्या पीड़ा है, क्यों बैठे हैं, क्या क्या अधिकारी और मंत्री को ताना सही है, मुख्यमंत्री तक वो बात पूछे, तो 5 बजे हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पूछेगा, उनको बात रखेंगे, उसके बाद वार्ता के बाद क्या होता है, क्योंकि वार्ता केवल समझाने के लिए है, उसके बाद धरना तो ऐसे नहीं उठेगा, धरना तो हमारी मांगे पूरी होंगी, और मांगे की जब वो लिखित में देंगे उसके बाद उठेगा, अन्यथा चाहे गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, पहले दिन से कह रहा हूँ ये धरना नहीं उठेगा, आस पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया। बहुत बार शिकायतें ये निकल कर आती है कि सरकार भले ही लिखित में कोई बात दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है। चुनाव आ गया बिल्कुल, अरे ये बहुत कमाल की बात है कि आगे आने वाले चुनाव में हर जगह से यही मांग उठ रही है कि आगे आने वाले चुनाव में सरकार को दिखा देंगे कि आखिर बेरोजगारों की ताकत असल में है क्या। तो आपके साथ जो ये लोग खड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं चुनाव में उतर जाते, आप लोगों को इतना साथ जो मिल रहा है लोगों का? मुझे हराने में मजा आता है और रणनीति बनाने में मजा आता है, दूसरी बात है इन लोगों को मेरा दिल की इच्छा है कि ये मांगे नहीं मानते हैं, तो एक सीट का दर्द का एहसास करवाना चाहता हूँ, जैसे बेरोजगार को एक सीट नहीं मिलती है, और ये बहन है इसको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए यहाँ पड़ी है 4 दिन से, रात को सर्दी में धूप में, तो एक सीट का इसका दर्द का पता है, तो ये नेता लोग हारेंगे, जो एमएलए प्रत्याशी हारेगा या सरकार की एक सीट कम होगी तो पूरी सरकार एक काप जाएगी, दर्द होगा, तरह तरह मच जाएगी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले इस तरह होने वाली सरकार थी, एक एक एमएलए को लेकर आ रहे थे, तो एक सीट का उनको पता चला, तो एक सीट का पता लगाने के लिए उनको दर्द का एहसास करवाने के लिए हमने घोषणा की है, घर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने घोषणा कर दी अखबार में आ गई आपने चला दी यार हम नहीं, जाएंगे घर घर भी जाएंगे, पर्चे बांटेंगे, और प्रचार भी किसी हालत में रुकने वाले नहीं है, हमारा रिकॉर्ड जो कहा है वो किया है, हमने ऐलान किया था 11 फरवरी को दिल्ली जाएंगे, लेकिन परमिशन नहीं मिली, लेकिन उसको बदला 15 फरवरी हम अपना उठाला। यहाँ पर एक मैं ये भी कहना चाहूंगी बीच में कि यहाँ पर सांगानेर से कांग्रेस जिला परिषद के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनको भी आपका साथ मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद भी ये लोग सरकार के खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं। इनको हमने बड़ी जिम्मेदारी दी है और इनको हमने राजसमंद प्रभारी बनाया है, ऊर्जावान है और अनुभव है इनके पास, तो ये युवाओं के साथ देने हमारे इस जो महापड़ाव में गैर राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं कोई भी आए समर्थन दे सहयोग करें उनका स्वागत है, यह राजनीति आदमियों की एंट्री नहीं है, हम इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन नहीं बनाना चाहते, यहाँ कोई नेता नहीं आया हमारे, ये हमारे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ही है और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, तो उनको धन्यवाद भी हमने दिया था, पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और हमारे जो निर्देश है संगठन के उसके अनुसार वो चल रहे हैं, इनको प्रभारी बनाए वो वहाँ का जिम्मेदारी निभाएंगे और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जैसे वल्लभ नगर से जो हमारी सवित कवर है उसके साथ 500 महिलाएं होंगी, भीलवाड़ा की कमान मैं संभालूंगा, सुजानगढ़ में किसी चीफ के रिश्तेदार संभालेंगे, तो एक बहुत बड़ी रणनीति है और वो रणनीति जो चुनावी माहौल होगा जब गाड़ियां घूमेंगी जब पोस्टर लगेंगे जब भीड़ का हुजूम गलियों में घूमेगा और जब पर्चे बैठेंगे वो नजारा अलग होगा, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किए थे और जो गलती अधिकारियों मंत्री से उसे सुधार करें, उनके बच्चे हैं और वार्ता करें समस्या का निस्तारण करें, हो सके तो हम उनके पक्ष में प्रचार करने चल जाए, हमें मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते सिस्टम में सुधार हो, सरकारें बदलती रहती है चेहरे बदलते रहते हैं सिस्टम नहीं बदल पाता, तो सिस्टम में सुधारने के लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सिस्टम सुधरेगा तो बेरोजगारों को न्याय मिल पाएगा